हेलो प्रेम, मैं आपका दोस्त दिलीप वारे। आज हम ओनिडा विंडो एसी में एरर कोड देखते हैं मेमोरी आईसी का। अगर इस तरह का से अगर डिस्प्ले में एरर आता है और ट्र की आवाज़ कर रहा है, सुन लीजिए, अगर इस तरीके से आवाज़ करते हुए ट्र करके आवाज़ कर रहे हैं, और तो हम इसमें क्या चीज़ एक सामान चेंज करेंगे जिससे हमारा पीसीबी ओके हो जाए। तो मेमोरी आईसी 24C02 फाल्टी है इसमें। अब हम इस आईसी को यहाँ से निकाल के चेंज करेंगे, नया आईसी लगाएंगे। नया आईसी जो मार्केट में मिलता है 24C02, वो ब्लैंक होता है, इरेज रहता है। उसको जैसे ही डालेंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे पीसीबी में डालने के बाद, तो मेमोरी उसमें डब हो जाता है, सिस्टम आईसी से इसमें डब हो जाता है। ये कोरा आईसी होता है, जो मार्केट से हम लाते हैं वो कोरा रहता है। उसे कोरा आईसी को इसमें डालना है 24C02 को। तो सबसे पहले आईसी को बाहर निकाल लीजिए, या फिर आपके पास अगर इरेज करने वाला मशीन है, मेमोरी इरेज करने वाला, डब करने वाला मशीन है, तो उसको इरेज करने के बाद आप फिर से उसी आईसी को आप उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नया आईसी इस पीसीबी में लगा सकते हैं। 24C02 मेमोरी ऐसी है। नया आईसी है जो हम इसको लगा देते हैं 24C02। जब भी दोस्तों आप मेमोरी आईसी अगर मार्केट में लेना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आप बोलेंगे कि मुझको मेमोरी आईसी चाहिए 24C02, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर 24C02 नहीं मिलता तो 24C04 लगा सकते हैं। अगर 04 भी नहीं मिला तो 08 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको 24C02 लगाना चाहिए। इस तरीके से हमारा पीसीबी ओके हो गया, सिर्फ मेमोरी आईसी चेंज करने के बाद। देख लीजिए सब बटन काम कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंटमेंट तो बनता है यार। बाय, फिर मिलेंगे।